मेरे हाथ में सब गेम बॉक्स 400 in 1, जैसे कि मैंने आपको बताया 400 गेम्स है इस कंसोल के अंदर, बिल्कुल गेम बॉय कलर जैसा लगता है ये। साथ में इसके स्पेक्स की बात करूं तो यहाँ लिखा है डिजिटल गेम सिस्टम 3.0 इन सुपर वाइड LCD स्क्रीन, द कंसोल इज स्लिम पोर्टेबल एंड ट्रेंडी, डिजिटल मल्टी प्लेटफॉर्म डिवाइस कैन प्ले ऑन TV, मतलब इसको TV से लगाकर भी खेल सकते हैं हम। द बैकलिट फंक्शन ऑफ द स्क्रीन इंश्योर्स प्लेयर कैन प्ले एवरीवेयर, दोस्तों बैकलिट की वजह से हम इसको अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी आराम से देखकर खेल सकते हैं। क्या होता है कि कभी कभार हमें दिखता नहीं है, शेडो आ जाती है, सो हमें स्क्रीन नहीं दिख पाती, सो ये बढ़िया है। विथ पावरफुल रिचार्जेबल बैटरी पैक इंक्लूड्स AC अडैप्टर एंड अ लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी, 6 hours ऑफ कंटिन्यूस गेम प्ले। सो दोस्तों डब्बे के अंदर है एक कॉन्सोल, एक AV केबल, एक DC केबल एंड 1 user manual, और हमारा कॉन्सोल ब्लू व्हाइट कलर का है, बाकी रेड व्हाइट मिल सकता है, व्हाइट मिल सकता है, ब्लैक व्हाइट मिल सकता है एंड येलो व्हाइट मिल सकता है। सो दोस्तों लेट्स ओपन दिस डिवाइस, और दोस्तों ये रहा हमारे सामने हमारा सब गेम बॉक्स, और बिल्कुल गेम बॉय कलर जैसा लग रहा है। एक बार जरा इसको साइड रखते हैं और देखते हैं हमें इसके साथ क्या मिलता है। एक है कंपोनेंट केबल, हम TV से कनेक्ट करेंगे और हम खेल पाएंगे इसके साथ TV पे। और दोस्तों ये है एक माइक्रो USB, एक बार ज़रा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, यस। और दोस्तों सबके घरों में अवेलेबल है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है यूज़र मैनुअल, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, कोई बुराई नहीं है यूज़र मैनुअल पढ़ने में। और दोस्तों कंसोल की ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर है पावर बटन, यहाँ है चार्जिंग पोर्ट, और ये है कनेक्टर जो कनेक्ट करेगा हमारे TV से। राइट हैंड साइड इज़ प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल व्हील है यहाँ पर। और पीछे की बात करूँ तो आपको एक बार बैटरी दिखा दूँ, ये है बैटरी, और बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप भी है इस डिवाइस की। और दोस्तों सामने से अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है जो कि बढ़िया लग रहा है, और बहुत ज़्यादा कलर बहुत प्यारा है यार। और यहाँ आप देख ही सकते हैं स्पीकर ग्रिल्स हैं और लिखा है बहुत ट्रेंडी तरीके में सब। और ये है D-pad, और ये सिलेक्ट एंड स्टार्ट बटन आपको दिख जाएंगे, यहाँ है रीसेट बटन, और ये है XY AB बटन, और गेम बॉय में वैसे बस AB बटन होता था। और स्क्रीन की बात करो दोस्तों ये है 3 inches बैकलिट LCD स्क्रीन जो गेमिंग एक्सपीरियंस को लाइटिंग कंडीशन में बहुत अच्छा बना देगी। So, दोस्तों फाइनली अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूं, और ये रहा मेरा पावर बटन, सो इसको ऑन करते हैं। अरे वाह क्या बात है, वही रेट्रो साउंड जो हम सुना करते थे जब हम छोटे थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यहाँ ऑप्शन है, हमें सिलेक्ट करनी है लैंग्वेज, इंग्लिश ऑब्वियसली, ये रहा सिलेक्ट बटन। ओके सो हमारे पास बहुत सारे गेम्स आ गए हैं 400 in 1, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें इतने सारे गेम्स हैं। मैं और थोड़ा फोकस कर दूं, हाँ सो आप देख सकते हैं सुपर मारियो है, मारियो 14, और ओह ये आवाज सुनो, एक बार ये आवाज सुनो, क्या बात है यार, आई एम फीलिंग वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक राइट नाउ, बहुत सही। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 12 गेम्स, सब सारे डिफरेंट गेम्स हैं, स्पाइडरमैन, मतलब यहाँ देखो बलून फाइट, बेसबॉल, बर्ड वीक बॉम, मतलब ये सारे 8-bit वाले गेम्स हैं जिसको हम कहा करते थे वीडियो गेम एक टाइम पर, आप देख ही सकते हैं। सो 100 गेम आ चुके हैं और सारे अब तक डिफरेंट गेम्स हैं, है ना, और आप खुद ही देख पा रहे हैं। दोस्तों मैंने अभी चेक करा, और जब हम 200 गेम्स को एक्सटेंड कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, फिर थोड़ी रिपीटेशन इसमें आती है, लेकिन फिर भी सारी गेम्स रिपीटेड नहीं है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आउट ऑफ 400 हमें 300 गेम्स तो मिल ही रही है। सो यार रेशियो आप खुद ही लगा के देख लो, बहुत ज़्यादा सही रेशियो है। सो दोस्तों अब खेलते हैं कोई गेम्स, और मैं खेल रहा हूँ सुपर मारियो, सबसे पहले अपनी फेवरेट गेम, यस प्लेयर 1, बहुत ज़्यादा सही, ओके। मशरूम ये माफी चाहूंगा, वो उस कैमरे की वजह से स्क्रीन ऐसी हो रही है, एक सेकेंड यहाँ कुछ होता है, यस 1 up होता है यहाँ, ओ यार कैसे याद है हम सबको ये सब। सो गाइस अब हम खेल रहे हैं कॉन्ट्रा, ठीक है, सो लेट्स सी कि मैं खेल पाता हूँ मेरा पुराना बहुत बढ़िया गेम, मैं बहुत अच्छा था यार। Stage 2 कैसे शुरू हो गई यार, अपने आप ही स्टेज शुरू हो गई, मुझे दिख ही नहीं रहा यार स्क्रीन में, सॉरी
मुझे ना वो व्हाइट व्हाइट इनके बिंदु ही नहीं दिख रहे जो ये फेंकते हैं। मैं क्या क्या करूं यार एक बारी में। बहुत बढ़िया, चल आगे चल। ओह शिट, ओह यार कितने सिंपल होता था ना पहले गेमिंग, मतलब ओके। अबे पीछे हो जल्दी। ओ साउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट देख रहे हो आप लोग। अब हम खेल रहे हैं बलून फाइट और मेरा फेवरेट गेम था ये। एक सेकेंड। सो बेसिकली हमें इनके, इन चिड़ियों के अपने नहीं तोड़वाने होते और इनके फोड़ने होते हैं, और इनको अच्छे से पहले ही वो कर देना चाहिए क्योंकि अच्छे से मारना चाहिए। दो बारी में मरते हैं बेसिकली ये, क्योंकि फिर ये वापस अपना बलून फुला लेते हैं। और इस बादल से बिजली आती थी, ठीक है। और जैसे ही बिजली फेंक रहा है, डेंजरस है ये। ओए अगर मैं कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा गेम्स के बारे में सोचूं ना तो यार पहले तो सेव भी नहीं होता था ना, सब कुछ करना है एक ही बारी में। भाई यार ये मिस क्यों हो रहे हैं। ये सांप, ऐसी दोस्त होते हैं, इन सांपों से बचना चाहिए हमें। सांप निकल, और ऐसे दोस्तों को अपनी लाइफ में डालो जैसे ये फेरी है, सांपों से बचाएगी लेकिन गड्ढों से नहीं बचा पाएगी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सब गेम बॉक्स को कनेक्ट कर लिया अपने LCD टीवी से। जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पर भी वही आ रहा है, इंग्लिश और चाइनीज़। एंड ये रही सारे 401 गेम्स की लिस्ट।